फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। हेलो दोस्तों, पेरेंट्स, मम्मियों, आज एक और सच और झूठ से पर्दा उठाते हैं। वो है कि बच्चों की भूख बढ़ने के लिए टॉनिक्स का लिखा जाना। मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, और हमारा काम ही है बच्चों का ट्रीटमेंट करना, ठीक है, बच्चों का अच्छा न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। और बहुत सारे पेरेंट्स हम लोगों के पास आते हैं ये बोल के कि बच्चों को भूख नहीं लगती, तो प्लीज आप कोई टॉनिक लिख दीजिए। डॉक्टर्स लिखते भी हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ बहुत सारे टॉनिक्स लिखते हैं, आपने भी बचपन में पिए होंगे, आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको हो सकता है कोई टॉनिक दिया जा रहा हो। तो सच ये है कि भूख बढ़ाने का कोई भी टॉनिक नहीं होता है, ठीक है, सच ये। दूसरा, किसी भी संस्था ने भूख बढ़ाने के टॉनिक को रिकमेंड नहीं किया है मेडिकल की, जैसे विश्वास संगठन, यूनिसेफ या इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ये जो हमारी संस्थाएं होती हैं जिनकी गाइडलाइंस को हमें, हम डॉक्टर्स को फॉलो करना होता है, शिशु रोग विशेषज्ञों को फॉलो करना होता है, फिर ये इतने टॉनिक्स लिखे क्यों जाते हैं। तो सच ये है कि टॉनिक्स में से कुछ टॉनिक, जैसे इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, ना ही ये इफेक्टिव है बल्कि दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। खासकर सिप्रोहेप्टिडिन वाले टॉनिक बहुत चलन में होते हैं, सिप्रोहेप्टिडिन ही कंटेंट होता है, बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं इस टॉनिक को, उनके नाम, मैं कंपनियों के नाम नहीं लेता हूं, तो वो टॉनिक्स आप सिप्रोहेप्टिडिन किसी में लिखा है तो उसे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सिप्रोहेप्टिडिन का इफेक्ट नहीं है भूख बढ़ाना, बल्कि एक साइड इफेक्ट है भूख बढ़ाना। सिप्रोहेप्टिडिन किसी और चीज के लिए होती है, किसी और ग्रुप की दवा है, लेकिन वो ब्रेन में जाकर हंगर सेंटर जो हमारा होता है, भूख का सेंटर, उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करती है। हमारी भूख को तय करता है कौन? ब्रेन में स्थित हंगर सेंटर, पेट नहीं तय करता, और वो इन चीजों का एनालिसिस करता है लगातार, हंगर सेंटर की आप कितना दौड़े हो, कितना भागे हो, कितनी कैलोरी की नीड है, कितना ग्लूकोज की नीड है, उसके हिसाब से आपकी भूख तय करता है, आपकी एज, आपकी बीमारी, ठीक है। तो हंगर सेंटर को स्टिमुलेट करता है, वो साइड इफेक्ट है उसका। तो क्योंकि ये टॉनिक ब्रेन में जा रहा है तो अकेला वो हंगर सेंटर पर नहीं जाएगा, वो दूसरे इफेक्ट भी, जैसे कि सिडेशन, बच्चे को नींद, उनीदा होना, आलस होना, या उसके कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है लंबे समय देंगे तो। तो इसलिए भूख बढ़ाने के टॉनिक की ना तो डॉक्टर से जिद करें, और यदि आप डॉक्टर हैं तो व्यर्थ में नहीं लिखिए, रिकमेंडेड नहीं है। तो फिर करना क्या है, फिर करें क्या? भूख आप तो बोल रहे हैं कि नहीं लगती, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण आजकल है वह है बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी का पहले जैसा ज्यादा ना होना। बच्चे हों या बड़े हों, हम घरों में कैद हो गए हैं, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, ग्राउंड्स नहीं है मोहल्लों में, कॉलोनियों में, बाहर खेलना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाहर आप खेलेंगे जैसे पहले होता था ना, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, तितली पकड़ना, पतंग उड़ाना, क्या नहीं, फिजिकल एक्टिविटी, पेड़ों पर चढ़ना, वो सब खत्म हो गया। तो आप जो है बाहर खेलना बच्चे को एंश्योर करें, ठीक है, आप बड़े हैं तो भी खेलें बाहर, तो खुद ब खुद भूख लगेगी, क्योंकि आपको हंगर सेंटर असेस कर लेगा कि आप ज्यादा कैलोरी नीड है आपको, क्योंकि आप भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी पहला बढ़ाइए। दूसरे नंबर पर आता है, कई बार आयरन की कमी, जिंक की कमी से भी भूख कम होती है बच्चों में और बड़ों में, ठीक है। तो आयरन, जिंक और कुछ हद तक विटामिन B12 को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, इसके सप्लीमेंट यदि आप लेते हैं तो ये चलेगा, आपके डॉक्टर लिखते हैं तो। और कई बार भूख बढ़ाने के जब टॉनिक की बोलते हैं तो डॉक्टर, जैसे मैं यही करता हूं, मैं देख लेता हूं कि आयरन की कमी है तो आयरन का टॉनिक लिख देता हूं उसको, बच्चे को, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भूख बढ़ाने का टॉनिक, मैं आयरन का लिख रहा हूं, तो आपकी जो डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाएगी, तो खुद ब खुद भूख लगेगी। यदि आयरन डेफिशिएंट है तो भूख रियली कम हो सकती है। इनके टॉनिक्स दिए जा सकते हैं, कैल्शियम विटामिन डी के टॉनिक्स दिए जा सकते हैं, या टैबलेट्स भी आती हैं जैसी उम्र हो और चॉइस हो उस अनुरूप, लेकिन अलग से भूख बढ़ाने का नहीं है टॉनिक ये, इनमें से कोई भी, तो उसका ध्यान रख लीजिए, और ना ही ऐसे किसी टॉनिक की भ्रम में पड़िए, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं ये वीडियो थोड़ा सा आपको जानकारी देने वाला होगा और आपका नॉलेज बढ़ाया होगा, आंखें खुली होंगी, कैसा लगा बताना मुझे। और पेरेंट्स जो होते हैं अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को जरूर ये वीडियो भेजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अव्यक्त।